Hey guys, what's up? तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर छह बुक रखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब छह बुक यहाँ पर है। आप नाम भी देख सकते हैं कि ये हम लोग का फर्स्ट बुक का सीरीज है जो हम लोग के यूट्यूब चैनल में होगा, मास्टर द एनसीईआरटी फॉर नीट। छह बुक है, बायो का दो, फिजिक्स का दो एंड केमिस्ट्री का दो बुक्स हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का बुक रिव्यू। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक फास्ट बुक है, मास्टर द एनसीईआरटी फॉर नीट वॉल्यूम वन फिजिक्स। जनरली ये वॉल्यूम वन है क्लास 11 में। इसमें आपका टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल आपका कितना चैप्टर्स दिया है, 15 चैप्टर्स, ठीक है, क्लास 11 का। और उसके साथ नीट, एम्स और जिपमर का 2018 का पेपर फुल्ली सॉल्व है। अब आते हैं इस बुक का कुछ बारे में कि ये बुक इतना स्पेशल क्यों है। तो ये स्पेशल है क्योंकि आप इसका कंटेंट देख सकते हैं कि एक चैप्टर में कितना टॉपिक्स है। जैसे फास्ट में कुछ स्नैपशॉट्स है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसके बाद है स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चन जो स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर एम्स के लिए, जैसे मैच द फॉलोइंग, वैसे भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और लास्ट में एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट सम्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, और वो भी पूरा सॉल्व है, ठीक है। और एकदम लास्ट में हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो आइए कोई एक आर्बिट्ररी चैप्टर को करते पिकअप। जैसे मान लो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बहुत हम लोग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग का मैकेनिक्स का फास्ट चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज ऑफ नीट। तो आइए इसमें देखते हैं कैसा कैसा है। आप देख सकते हैं कि इसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है और उसके साथ चैप्टर का सामने स्नैपशॉट भी दिया है। अब ये जो बुक लिखा है तो ये मेन ओनली फॉर नीट, मास्टर द एनसीईआरटी फॉर नीट, लेकिन इसमें कुछ कुछ मेन्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन दिया है, मतलब प्रीवियस ईयर का। और यहाँ पर एनसीईआरटी का हर एक जितना भी है टॉपिक्स, वो सब टॉपिक्स में से जितना पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हर एक क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक नंबर 3, ठीक है। फिर चलाते हैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 4, आरवी रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा ये अब देखिए यहाँ पर स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चन, मैं जो बोल रहा था कि ये जो है स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस, ये स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर एम्स एंड जिपमर के, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस इनमें आता है लेकिन कम आता है। जैसे मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एसेसन रीजन क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस है एक चैप्टर में से, ठीक है। आप देख सकते हैं एक चैप्टर में टोटल कितना क्वेश्चन है, और देख सकते हैं लास्ट में एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है, जो एनसीईआरटी तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी यहाँ पर इन लोग ने इंसर्ट कर दिया। और लास्ट में आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक तो अलग सेक्शन है जिसमें वेरियस क्वेश्चन आपको मिलेगा। और आप देख सकते हैं एक चैप्टर में टोटल 158 क्वेश्चन है सब मिला के। तो आई थिंक इट्स ह्यूज टू प्रैक्टिस, मतलब आपके चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 160 एमसीक्यूज बहुत है, और उसका पूरा आंसर किया पर दिया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा सॉल्व है करेक्ट क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये हम लोग का ऐसे फिजिक्स का वॉल्यूम वन जो हम लोग का क्लास 11 के लिए। अब आता है दूसरा बुक जो फिजिक्स का वॉल्यूम 2 है जो हम लोग का क्लास 12 के लिए, ठीक है। इसमें भी आपका टोटल चैप्टर्स है, देखिए 15 चैप्टर्स है जो क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में दिया है। एकदम एग्जैक्टली सेम फीचर्स जो पहले बुक की तरह, हर एक चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस अलोंग विद मेंस एंड नीट का प्रीवियस ईयर सॉल्व रहता है, और एग्जाम्पलर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जैसे हम लोग का फिजिक्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप देख सकते हैं कि अब चैप्टर का स्टार्ट में हम लोग का कैसे ये प्रॉपर टॉपिक वाइज कुछ पॉइंट्स लिखा रहता है जो आपका रिविजन हेल्प करेगा। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है एमसीक्यू जोन। एमसीक्यू में एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं कि यहाँ पर सीबीएसई एआईपीएमटी का क्वेश्चन भी सॉल्व है। ये देखिए एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज, जैसे किरचॉफ लॉ, मीटर ब्रिज, सबसे आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेगा,
जो आपको प्रैक्टिस के लिए, मतलब आपका जिस टॉपिक में वीक है आप उस टॉपिक को इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एक एक टॉपिक में से इन लोग ने क्वेश्चन पिकअप किए हैं, स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चन जो आपका एम्स के लिए किया है एसएसएन रीजन। अभी तो फिलहाल एम्स है नहीं, लेकिन ये बुक 2018 और 19 के लिए, इसलिए इन्होंने दिया एसएसएन रीजन क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे बहुत क्वेश्चन है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और देख सकते हैं 155 क्वेश्चन है टोटल एक चैप्टर में से। तो ये बुक मेरे को इतना अच्छा लगा क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन है, और दूसरा बात है कि ये एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली करता है फॉलो, और एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देता है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे हुआ फिजिक्स का ये यूनिट टू हुआ। अब आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वॉल्यूम वन है जो हम लोग का क्लास 11 के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर है केमिस्ट्री का वॉल्यूम टू जो हम लोग का क्लास 12 के लिए है। तो क्लास 11 में आपका टोटल केमिस्ट्री में चैप्टर्स जो एनसीईआरटी में दिया है टोटल आप लोग का 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स। इसमें भी चैप्टर का स्टार्ट में कुछ साइनॉप्सिस दिया है, उसका बाद आपका यहाँ पर पूरा ये दिया है कि आप देख सकते हो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, एटॉमिक थ्योरी टॉपिक 4, फिर स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस, और आप देख सकते हो कि टोटल कितना क्वेश्चंस है, 187 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 187 क्वेश्चंस है, बहुत है, ठीक है। तो ऐसे और पूरा सॉल्व है, जो केमिकल बॉन्डिंग है बहुत, मैं आपको दिखा दूं केमिकल बॉन्डिंग के जैसे कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में क्या क्या दिया है। तो इस इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में आप देख सकते हो कि कैसे ये लोग प्रॉपरली अरेंज टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक साथ नीट के साथ जेई मेन्स जो पहले होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका भी क्वेश्चन सॉल्व है, AIEE यहाँ पर दिया है। तो ये बुक आपके लिए मेंस एज वेल एज नीट के लिए तो काम ही आ सकता है, बोथ फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और बायो तो मेंस में है नहीं। तो केमिकल बॉन्डिंग में से आपका टोटल क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, 201 क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो कि बहुत, मतलब ये बुक तो कम टाइम में तो होगा नहीं, तो इतना क्वेश्चंस है। तो ऐसे यह है केमिस्ट्री का पार्ट वन, और यह है पार्ट टू, ठीक है, जो हम लोग का क्लास 12 के लिए। इस बुक का भी देखते हैं टोटल कितना चैप्टर्स है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि टोटल आप लोग का 16 चैप्टर्स, और इसमें आपका सॉलिड स्टेट भी दिया है जो एनसीईआरटी नया वाला बुक में नहीं है, क्योंकि उसने एनसीईआरटी को रिमूव कर दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट भी दिया है। अब इस बुक एक आर्बिट्री चैप्टर करते हैं पिकअप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन और एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग बोथ फॉर मेंस एज वेल एज नीट। तो देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन, देख सकते यहां से स्टार्ट हुआ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हुआ एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड्स का। तो टोटल क्वेश्चन ये देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जेई मेन्स 2015 का क्वेश्चन दिया जाता है, ये देखिए जेई मेन्स 2015 का क्वेश्चन है। तो टोटल आप अगर देखोगे लास्ट में बहुत क्वेश्चन है आपका, टोटल एल्डिहाइड कीटोन में से 165 क्वेश्चन है, और जिसमें आपका हर एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा कवर किया। अब आता है इसका सबसे और लास्ट दो बुक बचे जिसका नाम है बायोलॉजी का। अब देख सकते हो ये पार्ट वन के लिए है क्लास 11, जिसमें आपको 22 चैप्टर्स मिलेगा एनसीईआरटी को, ये देखिए 22 चैप्टर्स आपको मिलेगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पिकअप करते हैं जैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लगता है कि डिफिकल्ट है, तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या है। ये देखिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का स्टार्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसमें आपका ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चंस भी है, नीट का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व है, और आपका एनसीईआरटी हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट लाइंस एवरी टॉपिक्स। इस बुक का जो खासियत है कि ये एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जो आपको बहुत कम बुक में मिलेगा, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। आप देख सकते हो कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे चैप्टर में 170 क्वेश्चन है, 67, जो आई थिंक इट इज इनफ फॉर प्रैक्टिस। ये है बायोलॉजी का वॉल्यूम 1 है,
और आप आता है वॉल्यूम टू के बारे में, आप देख सकते हैं ये थोड़ा थिन बुक है क्योंकि इसमें चैप्टर्स थोड़ा कम है, थोड़ा इसमें आपका 16 चैप्टर्स होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 चैप्टर्स है, ठीक है। इसमें ये बुक भी अच्छा है, तो मैं आपको आज 6 बुक दिखाया कि ये इस बुक का ये मास्टर द एनसीईआरटी है सीरीज। और अब आता है इस बुक का प्राइस के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्राइस ज्यादा नहीं है, 305 रुपीज है सिर्फ, ओनली 305 रुपीज है। बायोलॉजी पार्ट वन के लिए 355 रुपीज है, केमिस्ट्री पार्ट टू के लिए 355, मतलब आप मान सकते हो कि आपका अप्रोक्स प्राइस इस बुक का 350 है, उससे ऊपर आप जाएंगे। 55 है, फिजिक्स का दो बुक है 355 और इसका भी 355। तो ये है हम लोग का 6 बुक का रिव्यू, आप इसको सॉल्व कब करना है, ठीक है। तो आप जैसे देखा कि एनसीईआरटी का एकदम पूरा, मतलब आपको इस बुक पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में बहुत ग्रिप आएगा। तो आपको पूरा साल में पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके लिए, उसको समझना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पहले, उसके बाद आप इसका हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन कर लो। अगर मान लो आपसे तो पूरा क्वेश्चन शायद हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन है 170, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो आप इसका कुछ रैंडमली क्वेश्चन करो पिकअप, या फिर आप लोग का सैड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक का मार्क कर लो, या फिर मेंस और नीट का प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर सकते हो, और एसएसएन रीजन बहुत भी क्वेश्चंस है, मतलब अगर आपको टाइम मिल जाएगा तो आप ये कर सकते हो। तो ये हम लोग का 6 बुक का रिव्यूज है, तो आप देख सकते हो ये आर्यन ने पब्लिश किया, और बुक का कुछ आप इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ बुक का इंपॉर्टेंट फीचर्स है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड, मतलब ये जो है सीरीज 6 बुक का सीरीज बहुत अच्छा है हम लोग का प्रिपरेशन के लिए पूरा साल में, इट विल हेल्प अस लॉट इन आवर वेज, ओके। सो आप लोग को बुक रिव्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो ये हम लोग का यूट्यूब चैनल का फास्ट बुक का सीरीज का रिव्यूज था। तो हम लोग का एक्चुअली हम लोग बहुत अनएक्सपीरियंस्ड है, हम लोग अभी इस चैनल को स्टार्ट किया, तो इसका बारे में एक्चुअली आपको अगर और कोई बुक के बारे में जानना है तो आप वो इंस्टा या फेसबुक का नीचे लिंक दिया आप वहाँ पर बोल सकते हैं, या फिर कमेंट में बोल सकते हैं। और क्या अगर आपको अच्छा लगा तो आप वो सब्सक्राइब कर देना, उसका साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि हम लोग यूट्यूब चैनल कुछ आया नया अपडेट तो आपके पास पहुँच सके। और आपका बाकी फ्रेंड्स को भी बोल देना कि इस चैनल का बारे में। तो और मैं एक तो चीज देख रहा था जो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मतलब क्या कि हम लोग का जो व्यूज है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस व्यूज का कंपैरिजन में ना सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। तो क्या ना आप लोग जो सब्सक्रिप्शन ना हम लोग को बूस्ट करते हैं, हम लोग को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी कुछ अच्छा काम के लिए, क्योंकि हम लोग ये क्यों करते हैं, हम लोग ये करते हैं आपके लिए, ठीक है। आप बोलिए अब मेरा क्या फायदा है इसमें 10 मिनट बैठ के आपका बुक रिव्यू करने का, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत फ्रेंड्स है जो रॉन्ग बुक चॉइस करते हैं, उसको अच्छा बुक का बारे में नहीं पता। तो हम लोग आपके लिए इतना करते हैं, और आप लोग को सिर्फ कुछ करना है, सिर्फ एक तो बेल आइकन को प्रेस करना है और एक सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो थैंक यू गाइज। तो आते हैं अपने यूट्यूब चैनल का नेक्स्ट वीडियो लेकर, और मेरा पूरा टीम है आपके साथ जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, कि अभी तो हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग का भी पढ़ाई है, क्लासेस है, एग्जाम्स भी है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।